मॉर्निंग टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर सपोज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर एल मीन्स इंडक्टर सी मीन्स कैपेसिटर एंड आर मीन्स रजिस्टर सो सपोज दैट अ सोर्स एसी सोर्स ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी सप्लाई टू द एलसीआर देन करेंट फेज चेंज बाय द स्मॉल एंगल फाई सो दैट वी हैव टू राइट इट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई दिस द इक्वेशन सेकेंड लेट हियर आई लैग्स बिहाइंड ई बाय फेज एंगल फाई सो दैट पावर ऑफ एलसीआर पी इज इक्वल टू ई इंटू आई दिस इज द इक्वेशन थर्ड नाउ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी हैव ई वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव सो दैट वी हैव टू राइट इट ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी वी हैव टू ब्रेक द साइन ओमेगा टी माइनस फाइव टू यूज द फॉर्मूला साइन ए माइनस बी दैट्स वी हैव टू राइट हियर साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव अगेन वी हैव टू राइट वी नो वेरी वेल पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क सो दैट वी हैव टू राइट हियर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी ब्रेक द ब्रैकेट दैट्स वी हैव टू राइट हियर ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाइव साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी अगेन सो दैट दिस इंप्लाइज दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इन टू डी टी माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाइव साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इन टू डी टी नाउ इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट इन बोथ साइड वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल दैट्स वे वी हैव टू डब्ल्यू इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल इज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू कंप्लीट टाइम टी ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इन टू डी टी माइनस जीरो टू टी ई नॉट आई नॉट साइन फाइव साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इन टू डी टी सो दैट वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी एंड राइट डाउन इंटीग्रेटिंग द साइन स्क्वेयर ओमेगा टी विद इन द लिमिट जीरो टू टी सो वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ टी बाय टू सेकेंड एक्सप्रेशन टू ई नॉट आई नॉट साइन फाइव इज ए कॉन्स्टेंट सो दैट वी हैव टू इंटीग्रेट द रेस्ट वेरिएबल्स जीरो टू टाइम टी टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी इट्स इंटीग्रल वैल्यू इज जीरो सो दैट वी हैव टू पुट हियर जीरो सो होल क्वांटिटी इज गोइंग टू बी जीरो एंड वी हैव टू राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव इज इन टू टी बाई टू वी हैव टू टी पुट हियर दैट्स वे डब्ल्यू बाई टी ई नॉट आई नॉट अपॉन टू कॉस फाइव ई नॉट अपॉन अंडर रूट टू I not upon under root 2 cos phi W by T it means power of LCR circuit. This is the value of virtual value of voltage, virtual value of current. So that we have to write here P is equal to EB IB cos phi. P is equal to EB IB cos phi is the power of LCR circuit denoted by equation 4th power. Factor. Just now I'm going to second point discuss about the power factor. Power factor cos phi is a called power factor. So that we have to write this expression from the equation 4 cos phi is equal to P upon EB IB. This is equal to true power upon apparent power. So that we have to explain the power factor. Power factor is a ratio of true power to the apparent power. Now we are going to discuss about the special cases. From equation 4th, we have to note that here virtual value of EMF and virtual value of current, here phase angle is phi,
let us suppose that a AC circuit containing resistor only, AC circuit containing resistance resistor only, we know very well the phase difference between the current and voltage. Then AC circuit containing resistor only is zero. That's we have to from equation 4, P is equal to EV IB cos 0. Its value of cos 0 is 1, so that you have to write here EV IB. It means EV IB, applying the Ohm's law, we have to write here EV upon R. R is the resistance of the resistor, so that EV upon R, this implies that EV is square upon R. Second case, if AC circuit containing inductor only, so that we know very well the phase difference between the voltage and current, the phase difference between the voltage and current, then the AC circuit containing inductor only is pi upon 2, so that we have to write here average power P is equal to EV IV cos pi upon 2. Value of cos pi upon 2 is 0, so that average power is 0. Similarly, a AC circuit containing capacitor only, we know very well the phase difference between the voltage and current is also pi/2. That's why we have to write here average power is equal to EV IV cos pi/2. It means cos pi/2, value of cos pi/2 is 0, so that average power also be 0. Okay, thank you. Have a nice day.